वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं फैसल नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गपशप विद फैसल नसीर। तो आज की गपशप में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने इलाके की एक सौगात जो हमारे शादियों ब्याहों पे एक बड़ी मशहूर डिश बनती है, कटवा गोश्त। तो वो कटवा गोश्त की रेसिपी, वो कैसे बनता है, उसके लिए कौन से इंतज़ाम होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं और वो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें, उसकी प्रेजेंटेशन, सर्विंग सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बहुत शुक्रिया। ई व्यूअर्स, तो देखें ये कटवे बन रहे हैं, माशाल्लाह गोश्त बन रहा है इनमें और ये इतनी तादाद में कटवे बनते हैं शादी ब्याह के मौके पे। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये चचा इसके अंदर डंडा हिला रहे हैं ताकि ये नीचे से जल ना जाए, नीचे से लग ना जाए। और ये इतनी क्वांटिटी में बनता है, ये देखें ये फाइनल लुक इसकी, ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल टेंडर होया हुआ गोश्त है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें इसका शोरबा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये खाने में बहुत ही लजीज होता है। और ये कुछ इस तरह से प्लेटों में डाला जाता है और इसके लिए हमेशा मिट्टी की प्लेट यूज़ होती है, ठीक है। तो मिट्टी की प्लेट में डाल के इस्तेमाल की मतलब सर्व किया जाता है और ये कुछ इस तरह से फिर डाल के रखते हैं सारे लोग। और फिर जब ये डल जाता है काफ़ी ज़्यादा प्लेटों में तो फिर ये सर्विंग होती है इसकी। तो ये हमारा ट्रेडिशनल एक तरीकाकार है जी, अटक का। अटक की रिवायती डिश है जो हमेशा शादियों पर बनती है, बहुत खूबसूरत होती है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक और ये देखें ये टेंडर कितना टेंडर होया हुआ, ये देखें कैसे टूट रहा है, ये देखें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।